हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। बिजली यूनियन हड़ताल जिंदाबाद, राज्य सरकार जिंदाबाद। अरे लेडीज लोग तुम भी तो कुछ बोलो यार। हमारी मांगे सिंदूर से भर दो। हमसे जो टकराएगा अभी पति कहलाएगा। ऐसा मेरे घर पे बिजली नहीं आ रही है। अच्छा तब तो आप भी नारा लगाइए ना प्लीज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ही हफ्ते भर से लाइट नहीं आ रही तो आपके घर में कहां से आएगी। एक्सक्यूज मी मैडम। यस जी, मेरा नाम मुसद्दी लाल गुप्ता है। यस मैं एच ब्लॉक गोविंद नगर में रहता हूँ। यस जी, मेरा बिजली का बिल जो है ना वो हर महीने बस 200 या 300 रुपए आया करता था। यस यस, इस महीने 15,000 रुपए आ गया है। देखिए आप जितना बिल इस्तेमाल करेंगे उतनी ही तो बिजली आएगी ना। आप जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे उतना ही तो बिल आएगा। नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ बिजली का इतना कंजम्पशन तो है ही नहीं ना। क्यों क्यों नहीं है? ऐसा है कि मेरा छोटा सा घर है, घर में कोई खास चीजें भी नहीं है और मैं अकेला भी रहता हूँ, तो इसलिए मतलब मेरे यहाँ तो इतना कंजम्पशन हो नहीं सकता ना। तो इसमें हमारी क्या गलती है? मैंने कब कहा कि आपकी गलती है? एक्सक्यूज मी भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये शुक्ला जी कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? वो आपको नहीं मिल सकते। कहाँ गए हैं? वो वहाँ नहीं हैं। अरे भाई लेकिन मिलेंगे कहाँ? वो आपको नहीं गए। किसका हिसाब करने गए? आप भाई साहब क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ का तो ये बताने के लिए पान थूकने की क्या जरूरत थी? कब आएंगे? ये पेट खत्म हो जाने के बाद। ये बाथरूम कहाँ है? एक्सक्यूज मी मैडम, टॉयलेट कहाँ पे है? नीचे है, पब्लिक के लिए। नहीं पब्लिक के लिए नहीं, स्टाफ के लिए कहाँ पे है? देखिए उसे आप यूज नहीं कर सकते। यूज तो मैं करना नहीं चाहता। तो पूछ क्यों रहे? भाई शुक्ला जी वहाँ गए हुए हैं, वहाँ से उनको पकड़ के लाना चाहता हूँ। कहाँ से लाना चाहते हैं? यही तो है। ये किताब पढ़ रहे हैं क्या? ये शुक्ला जी? नहीं ये टीना जी है, मैं शुक्ला जी हूँ। अरे यही शुक्ला जी है। अच्छा भाई साहब, शुक्ला जी अभी नहीं आए। भाई साहब, भाई साहब, शुक्ला जी नहीं आए। भाई आप ही शुक्ला जी हैं और आप कह रहे हैं कि आप टॉयलेट गए हुए हैं? एक मिनट जरा यहाँ उंगली रखिए, पन्ना नहीं पलटना चाहिए, ठीक है? अरे कहाँ जा रहे हैं? अजीब आदमी है यार, आदमी ये थमा गया। अच्छा सस्पेंस। भाई क्या है? भेजिए बोलिए। भाई आप ही शुक्ला जी हैं और आप मुझे ये कह के गए कि आप टॉयलेट गए हुए हैं? हाँ अभी तो गया था, इतना बढ़िया सस्पेंस चल रहा था, इतनी देर से रोक के रखकर सब चौपट कर दिया। बोलिए क्या काम है? मुझे वो फॉर्म चाहिए। कौन सा वाला? अरे वही जो बिल ज्यादा हो जाता है तो वो फॉर्म भर के देते हैं ना। वो देख रहा है वहाँ वहाँ वो उषा बहन जी बैठी है, उनके पास जाइए सब ठीक हो जाएगा। क्या? अरे वहाँ जाइए ना, हमारा टाइम काहे वेस्ट करना है। वैसे ही आप ऑलरेडी पन्ना पलट दिए, पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये सस्पेंस थ्रिलर है ना, अंत में पति पत्नी का कत्ल कर देता है। पता है हमको, 5 बार ऑलरेडी पढ़ चुका हूं। एक्सक्यूज मी बहन जी, मेरा नाम मुसद्दी लाल गुप्ता है जी। मेरा बिजली का बिल 200 या 300 रुपए आया करता था, लेकिन इस बार 15,000 रुपए का बिल आया। किसकी गलती से? जी आपकी गलती से। जी हाँ, क्योंकि मेरे घर के अंदर कोई ऐसी चीज है ही नहीं, मतलब ना टीवी है ना फ्रिज है, बस एक पंखा है और 2 बल्ब है बस। तो इसमें हमारी क्या गलती है? नहीं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यही तो, फिर यहाँ क्यों आए हो? बिल बहुत ज्यादा आया है ना। किसकी गलती से? आपकी गलती से। अरे अभी अभी तो आपने कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है। मैंने कब कहा? अभी तो कहा था। नहीं नहीं वो तो मैंने उसके लिए कहा था कि मेरे घर में फ्रिज या टीवी नहीं है, उसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन 15,000 रुपए का बिल आया इसमें तो आपकी गलती है। तो क्या करें? आप बताइए। भर दीजिए। कैसे भर दूं? 15,000 रुपए का बिल है, 5,000 रुपए महीना तो मेरी तनख्वाह है। वो तो एडजस्ट हो जाएंगे ना। एडजस्ट हो जाएगा? मतलब हम चेक करेंगे, अगर आपकी बात सही निकली तो आपको आगे का बिल नहीं भरना होगा, वो 15,000 उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। मैडम ये 15,000 एडजस्ट होते होते ना मैं एडजस्ट हो जाऊंगा। तो क्या करें? आप बताइए। भर दीजिए ना। अरे कैसे भर दूं, 15,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, मेरे पास नहीं है। तो क्या करें? आप बताइए। अरे खैर आप क्या बताएंगी, आप ऐसा कीजिए मुझे आप एक फॉर्म दे दीजिए, मैं उसको भर के जरा बड़े साहब के पास जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या हो सकता है। ठीक है ठीक है, एक मिनट। फॉर्म हाथ आगे बढ़ाओ, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे, हाँ ये पकड़ो। नमस्ते मैडम। अरे मिश्रा जी लगा मीटर? अभी कहाँ लगा मैडम। पटेल साहब से मिले? जी हाँ मिला सर, लेकिन वो
उषा जी आपके लिए फोन है। आइए एक मिनट, इसे पकड़िए जी। लपेटते रहिए, मैं फोन अटेंड करके आती हूँ जी। अरे भाई ठीक ढंग से पकड़ो। यूं। हाँ ललिता बोल। अरे नहीं अभी तो एक दो लच्छियां बाकी है, मुझे कहाँ टाइम मिलता है, वो क्लाइंट आए हुए हैं ना, उनको लगा दिया है काम पे गोले बनाने में। लच्छियां बनेगी तो उसके बाद स्वेटर बनेगा ना, बस बना रही हूँ। आपकी स्पीड तो बहुत अच्छी है भैया, 3-4 महीने चक्कर काटोगे तो तुम्हारी स्पीड हमसे भी अच्छी हो जाएगी। अरे वाह हो गया। जी हाँ हो गया। थैंक यू। ये लीजिए मैडम, जरा पटेल साहब से कह देती तो। हाँ हाँ कह दूंगी, एक काम करो तुम परसों आओ। जी परसों? हाँ। लेकिन परसों तो पटेल साहब की छुट्टी है। नहीं नहीं मुझे एक दो लच्छियां और बनानी है इसलिए। जी ओके जी सॉरी। अच्छा हाँ आपका फॉर्म तो यहाँ नहीं है। तो कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा पर अब यहाँ नहीं है। ये फाइल किसकी है? ये फाइल मेरी है। अरे फॉर्म कहीं ये तो नहीं है? यही तो है, ये फाइल के नीचे क्यों दबाए थे? खामखा मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, अब तक एक लच्छे का गोला बन जाता था। अब एक काम करो ये फॉर्म भरो और बड़े साहब के साइन ले लो। बड़े साहब? भाटिया साहब। देखो पटेल कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मेरे तीसरे बेटे का पहला मुंडन है। नहीं सर डोंट वरी, लाइट का ऐसा इंतजाम किया है कि पूरे शहर में भले अंधेरा हो मगर मुंडन पार्टी में लाइट जरूर होगी। हाँ मेरे पहले बेटे के पहले मुंडन की पार्टी में लाइट चली गई थी और अंधेरे में हम जिसे छुआरा समझ के खा रहे थे वो कॉकरोच था। नहीं अब तो पार्टी में आपको आपको कॉकरोच भी छुआरा नजर आएगा। ये देखिए मैंने पूरा प्लान तैयार किया है। ये पार्टी प्लेस की 3 तरफ इलेक्ट्रिसिटी पोल है तो उसके लिए मैंने ये कटिया तैयार किए हैं। ठीक है तो एक सिरा पोल में और दूसरा सिरा स्विच बोर्ड में। ओके और चौथी तरफ के बारे में क्या सोचा है? नहीं इस तरफ जो वायरिंग है ना वो अंडरग्राउंड है तो मैंने 5 फुट खुदवा कर वहां से कनेक्शन लिया है। वेरी गुड। और हाँ देखो जितनी बिजली कंज्यूम करो उसका बिल आना चाहिए, बिजली की चोरी मत करना यार। नहीं नहीं बिल आ जाएगा सर। किसके नाम पे सोचा है? किसी के नाम पर तो आएगा, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं। चलो ये काम तो हो गया लेकिन ये हलवाई नहीं आया अभी तक। सर हलवाई कौन है? अपना वही रेगुलर गेंदामल। नहीं 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 वो तो अपने बेटे का मुंडन कराने के लिए गांव गया हुआ है, उसने कहा था किसी दूसरे हलवाई को भेजेगा, अब पता नहीं किसको भेजेगा। सर इफ यू डोंट माइंड मेनू में क्या क्या रखा है? सर मेनू में पटेल इस बार सब भरा भरा रखा है, भरवा आलू, भरवा टिंडे, भरवा करेले, भरवा टमाटर, सब कुछ भरा भरा लगेगा सर। हाँ अब भरना क्या है यही डिसाइड करना है और इस हलवाई का पता नहीं। मैं कौन सर? ये लो ये आ गए। अब आ रहे हैं आप? जी मैं तो कब से आया हुआ हूँ। तो अब तक कहाँ थे? जी बाहर खड़ा था। अरे सीधा अंदर आना चाहिए था ना। अच्छा मुझे पता नहीं था। anyway, नाम क्या है आपका? मुसद्दीलाल गुप्ता। मुसद्दीलाल गुप्ता नाम से तो हलवाई नहीं लगते। जी नाम से मैं बिल्कुल हलवाई नहीं लगता हूँ। शक्ल से भी हलवाई नहीं लगते। जी थैंक यू वेरी मच। बातें भी हलवाइयों की तरह नहीं करते। जी बातें भी मैं हलवाइयों की तरह नहीं करता। क्यों ऐसा करना यहाँ जरूरी है क्या? नहीं नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप ये बताइए कि आपको पता है ना कि आपको क्या करना है? जी हाँ उन लोगों ने मुझे बता दिया है, भरना। हाँ भरने के लिए तो बुलाया है, कब से वेट कर रहे हैं साहब आपका? वेट कर रहे हैं? देखिए लेकिन इतना ज्यादा मैं नहीं भर सकता हूँ, 15,000 रुपए का बिल है। अरे बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप भर दीजिए बस। लेकिन सर मैं इतना ज्यादा नहीं भर सकता हूँ। अरे ज्यादा भरना भी नहीं चाहिए है ना सर? हाँ ज्यादा मत भरिए, कम भी मत भरिए, आप उतना ही भरिए जितना भरते। तो उतना भर दूं जितना मैं हमेशा भरता हूँ? हाँ जितना हमेशा भरते हैं। कितना भरते हैं? यही 2.5-3। 2.5-3 पर यूनिट? सर 2.5-3 पर यूनिट बहुत बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा सर? बहुत ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम कर दीजिए इसको। थोड़ा कम कर दूं? 2 कर दूं सर? मेरे ख्याल से 150 तक ठीक रहेगा है ना सर? पटेल 150 भी ज्यादा रहेगा, वो बात नहीं बनेगी। आप ऐसा कीजिए कि 25-50 कर दीजिए। 25-50 सर ये कहीं बहुत ज्यादा कम तो नहीं हो जाएगा? नहीं कम नहीं है, बस इसको फाइनल कर दीजिए। ठीक है सर जैसी आपकी मर्जी। वैसे बाय गॉड मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरा काम इतनी जल्दी और फटाफट हो जाएगा। भाई हमारा साहब तो हर काम परफेक्टली और स्पीडली करते हैं ना सर। वो मैं देख रहा हूँ। ये लीजिए सर इस फॉर्म में साइन कर दीजिए सर। किस चीज का फॉर्म है? वही सर जो 25-50 अभी फाइनल हुआ है ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। कमाल का सिस्टमेटिक काम है ना सर। अरे ये तो काम भी हलवाइयों की तरह नहीं करता। जी थैंक यू सर। ये तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फॉर्म है। जी हाँ। ये किस लिए? वो जो 25-50 अभी फाइनल हुआ है ना उसके लिए। अरे वो तो भरने के लिए फाइनल हुआ ना। तो मैं तो भरने की बात कर रहा हूँ ना। अरे मैं आलू बैंगन टिंडे में मसाला भरने की बात कर रहा हूँ भाई। लेकिन मैं तो बिजली का बिल भरने की बात कर रहा हूँ। अरे
तुम हलवाई नहीं हो? जी नहीं, हलवाई नहीं हूँ। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा बिल बहुत ज्यादा आ गया था, उसे कम करवाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तुम पक्का हलवाई नहीं हो? या पक्का मैं हलवाई नहीं हूँ। बाहर जाओ यहाँ से। अच्छा, मतलब यहाँ सिर्फ हलवाइयों के बिल ही ठीक किए जाते हैं? अरे बाहर आपका बिल कम कर देता हूँ, आइए ना। पक्का कर देंगे ना? चलिए साहब, थैंक यू वेरी मच। मुसद्दी लाल गुप्ता जी, बिल तो बराबर है। नहीं सर, ये वाला नहीं, इसके आगे वाला देखिए जो एंड में आया है, ये बिल जो है इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगे हुए हैं। तो किसकी गलती? ये आपकी गलती सर। हमारी गलती? जी हाँ। देखिए, मेरे घर में ना टीवी है ना फ्रिज है, एक पंखा है और दो बल्ब है बस। तो इसमें किसकी गलती है? ये इसमें आप एक सेकंड, किसमें किसकी गलती है? मतलब मेरे घर में टीवी पंखा वगैरह नहीं है, इसमें किसकी गलती है, या बिल ज्यादा आया उसमें किसकी गलती है? दोनों। दोनों? मतलब बिल ज्यादा है इसमें आपकी गलती नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। जितना मीटर घूमेगा उतनी रीडिंग बढ़ेगी, जितनी रीडिंग बढ़ेगी उतना बिल आएगा। तो हम क्या करें? तो मैं क्या करूं? बिल भर दो 15,000 रुपए का। हाँ देखिए भाई साहब, मेरी 5,000 रुपए महीने की तनख्वाह है भाई। तो फिर जितनी बिजली खर्च करोगे उतना बिल तो आएगा ना? मैंने बिजली खर्च नहीं की है भाई। किसी ने तो की है ना, तो बिल तो आएगा ना। तो बिल मेरे खाते में क्यों आएगा? अरे भाई, किसी के खाते में तो आएगा ना, भर दो ना अभी। अरे मेरे पास इतने पैसे नहीं है भरने के लिए। नहीं, भरना तो पड़ेगा। देखो, भर दिया तो ठीक है, नहीं भरा तो दो बातें होंगी, या तो आपकी बिजली कटेगी या तो नहीं कटेगी। नहीं कटने का तो सवाल ही नहीं उठता, मगर कट गई तो दो बातें होंगी, या तो आप मोमबत्ती से काम चलाओगे या तो दूसरे कनेक्शन के लिए अप्लाई करोगे। मोमबत्ती तो बिजली से भी महंगी पड़ेगी, मगर दूसरे कनेक्शन के लिए अप्लाई किया तो दो बातें होंगी, या तो दूसरा कनेक्शन मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलने के चांसेस ज्यादा है इनफैक्ट, मगर मिल गया तो दो बातें होंगी, या तो 250-300 बिल आएगा या तो 15,000 बिल आएगा। 250-300 बिल आया तो ठीक है, मगर 15,000 आया तो यार बिल तो कम ज्यादा आते रहता है, भर दो ना, भरना तो पड़ेगा ना। भाई साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं पैसे नहीं भर सकता। तो क्या करेंगे? आप ही बताएं भाई। मामला जरा पेचीदा है। क्या है वहाँ, बड़े साहब एक सेकंड में कर देते हैं, अगर तुम हलवाई निकलता ना तो। इसमें मेरी क्या गलती? तो किसकी गलती है फिर? यार, मेरी गलती है कि ना, मुझे हलवाई होना चाहिए था, पैदाइश से हलवाई होना चाहिए था मुझे। अब आप मुझे ये बताएंगे अब क्या करें? सोचने दो, सोचने दो, सर फट रहा। शुक्ला जी, इधर आओ, चाय वाय पिलाओ जरा। आप चाय पीते हैं? जी, मैं चाय नहीं पीता। पिलाते तो है ना? हाँ, पिला सकता हूँ। शुक्ला, इन्हें बाहर जाकर समझा दो कि किस टाइप की चाय पीते हैं हम। आइए। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, आप यही बता दीजिए ना किस टाइप की चाय पीते हैं। ऐसा बताना क्या क्या है, मैं दिखता हूँ छोटा, मगर मेरे दो बच्चे हैं, तो बड़े होने लगे हैं, ऊपर से वाइफ को शॉपिंग का बड़ा शौक है, पर आप तो जानते हैं महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो जी जी जो ठीक लगे दे देना बस। नहीं, मगर कितने? 15,000 का सेटलमेंट है, 300 में हो जाएगा, 5,000 लगेंगे बस। 5,000? हाँ। मेरी एक महीने की तनख्वाह है साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा कहाँ है, ये तो बहुत कम है, और मैं अकेला थोड़ी हूँ, बाकी लोग भी हैं ना। नहीं 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 पटेल साहब, आप कुछ तो सोचिए प्लीज। नहीं नहीं, इससे कम में तो नहीं होगा, और फिर दोबारा आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और एक ऐसा जबरदस्त आइडिया दूंगा कि 6 महीने तक बिल नहीं आएगा आपका, समझे? और उसके बाद? उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद आपकी बिजली कट जाएगी। जी, तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम, डरने की कोई बात नहीं है, दूसरे नाम से दूसरे मीटर के लिए अप्लाई कर देना, मैं दिला दूंगा। तब किस नाम से? पत्नी के नाम से। पत्नी तो है नहीं मेरी। बेटे के नाम से। अरे पत्नी नहीं है तो बेटा कहाँ से आ जाएगा? हाँ, तो नौकर तो होगा ना। अरे भाई साहब, मेरे घर पे टीवी फ्रिज नहीं है, आप नौकर की बात कर रहे हैं। तो फिर बिजली का क्या करोगे? है जी, मतलब कुछ है ही नहीं तो किसे जलाओगे? पटेल साहब, आपके मजाक कर रहे हैं। अच्छा, डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। मैं किसी और नाम से मीटर दिला दूंगा, लेकिन उसके 1,000 एक्स्ट्रा लगेंगे। हाँ, फिर 1,000 रुपये तो बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है, ज्यादा है, 15,000 का काम है, 6,000 में हो जाएगा, और ऊपर से बिजली 6 महीने के लिए फ्री। चलिए ठीक है सर, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। पर काम पक्का होना चाहिए। 100% पक्का, काम ना हुआ तो पैसे वापस। ठीक, कल पैसे लेकर आ जाना। कहाँ? नीचे चाय की दुकान पे। पूरे 6,000 लेकर आना, और फिर सीधे 6 महीने के बाद आना, जब बिजली कट जाएगी तब। जी जी। मिश्रा जी, क्या हो रहा है? बस जी, तब से अब तक लपेट ही रहा। और आप? मेरी बिजली कट गई। आपकी बिजली कट गई और आप हंस रहे हैं? अजी, अरे का अपना अपना स्टाइल है। वो तो है। शुक्ला जी, लगता है बिजली कटने के गम में पागल हो गए, पागल। क्या भाई साहब,
भाई साहब शुक्ला जी तो साहब तो साफ करने गए वो मैं तो जानता हूँ आपको, मुझे तो पता है कि आप ही का नाम शुक्ला जी है। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि जब हम नॉवेल पढ़ते हैं तो डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं। अरे पिछले 6 महीने से आप यही नॉवल पढ़ रहे हैं? 15 बार। 15 बार इसी, क्या खास बात है इसके अंदर? सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। अरे 15 बार पढ़ने के बाद कौन सा सरप्राइज रह जाएगा? देखिए सर, इसके क्लाइमेक्स में ना इसकी हीरोइन कामिनी नहाने जाती है। शुक्ला जी ये कहाँ पे है, पटेल साहब कहाँ मिलेंगे? पांडे जी पूछिए भाई, ये साड़ी उतार रही है कामिनी। ट्रेन फिर पास कर गई। क्या पांडे जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। वो कहाँ, वो पटेल साहब कहाँ गए? कौन पटेल? जो कनेक्शन जोड़ा करते थे। जी हाँ जी हाँ। उनका खुद का कनेक्शन कट गया। किसने काटा उनका कनेक्शन? बड़े साहब ने। लेकिन कनेक्शन काटने का काम तो पटेल साहब का था ना। मैं लाइट के कनेक्शन की नहीं, नौकरी के कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। पटेल साहब सस्पेंड हो चुके हैं। क्या, कब, कैसे? 6 महीना पहले बड़े साहब के 3रे बेटे का पहला मुंडन था। 2 दिन तक पार्टी चली है, रात भर इतनी बिजली जली, ऐसा लग रहा था जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा हो। हाँ, अखबार में इसके बारे में पढ़ा था मैंने। तो जहाँ से वो कनेक्शन लिया गया था वो मीटर भाटिया साहब का था। 50,000 का बिल आया है। ओहो, तो पटेल साहब को निकाल दिया गया। आप कहें तो मैं भाटिया साहब से चल के बात करूंगा। अभी भाटिया साहब भी सस्पेंड हो चुके हैं, पटेल ने उनको भी लपेटे में ले लिया। मैंने तो 6,000 रुपए दिए थे पटेल साहब को, अब तो मेरा बिजली का कनेक्शन भी कट गया, अब मैं क्या करूंगा? रिकनेक्शन करवा लो। करवा नहीं सकता पांडे जी, 40,000 रुपए का बिल है। बिल नहीं जमा करना चाहते हैं? तो मीटर लगा लो नया। किसके नाम से लगवाऊं? बीवी के नाम। बीवी है नहीं। बच्चे के नाम लगा लो। अरे बीवी नहीं है तो बच्चा कहाँ से होगा? नौकर के नाम लगा लो। घर में टीवी और फ्रिज तो मेरे है नहीं, आप नौकर की बात कर रहे हैं? अरे जब घर में टीवी फ्रिज नहीं है तो किसके लिए कनेक्शन ले रहे हो? लाइट के लिए, स्विच ऑन स्विच ऑफ करूंगा। क्या देखोगे लाइट से जब घर में कोई सामान ही नहीं है तो? अरे पांडे जी कुछ नहीं तो पंखा तो चलेगा ना कम से कम। आप मेरा ये काम करा दीजिए सर। अब कुछ नहीं हो सकता। अरे अब कुछ नहीं हो सकता, आपको पहले आना चाहिए था। कुछ दे देगा आपको। ऐसी बात यहाँ टेबल पर नहीं कर सकते, बाहर जाइए दरवाजे पे, बाद में बात करते हैं। जाइए जाइए जाइए। ठीक है दरवाजे पे जाओ ना। आप जाइए ना, वहीं आएंगे ना आप? अरे जाएंगे तो आएंगे। ठीक है सर। शुक्ला जी। क्लाइंट कहाँ कहाँ कहाँ? बाहर बाहर बाहर। दरवाजे पे कहा था आपने? यही है। ठीक है, आपको बिजली चाहिए कि बिजली का मीटर? दोनों। नहीं दोनों तो नहीं हो। क्यों? अरे यार आम खाओ ना, गुठली कहा गिनते हो? बिजली चाहिए ना, लग जाएगी बिना मीटर के। घर के आसपास भी बिजली का खंबा है? हाँ बिजली का खंबा तो है। कोई नंगी तार लटक रही है? अरे पिछले 25 साल से उस पर बहुत सी नंगी तारें लटक रही हैं। बल्कि जब मैं छोटा था ना बचपन में तो मैं पतंग उड़ाया करता था, मेरी पतंग अक्सर उन तारों में अटक जाया करती थी, क्योंकि एक दो पतंग तो अभी भी लटकी हुई है। करंट है उसमें? किसमें, पतंग में? ना ना ना, तारों में करंट है। अब ये तो छू के देखना पड़ेगा। तो छू के आओ और हमें बताओ। जी अच्छा, अगर मैंने उन तारों को छू लिया तो फिर मैं बताने लायक नहीं रहूंगा ना। तो बताइए कैसे पता चले? अरे तार छू के कोई मरा है क्या? हाँ पिछले साल रामनवमी पे 30 लोग मर गए थे तार के गिरने पर। गुड। आपका काम हो गया। नहीं बिल लेने 500 रुपए दे देना उसे। 500 रुपए? लेकिन मेरा बिल तो पहले 250 या 300 रुपए आया करता था। तो बिजली भी तो लिमिटेड जलाते थे। अब अनलिमिटेड जलाओगे? पर मुझे अनलिमिटेड की जरूरत नहीं है। तो जाओ पड़ोसी में बांटो। भाई हमारा चार्ज तो यही है। हाँ, और कनेक्शन चार्ज 10,000 रुपए। 10,000 रुपए भैया, ये तो बहुत ज्यादा है। तो रिकनेक्शन करा लो। 40,000 भी भरना पड़ेगा वाला। नहीं आप देखिए ना, जब आप 500 रुपए महीना मुझसे ले रहे हैं तो फिर रिकनेक्शन का पैसा क्यों लेते हैं? घर में टीवी है? जी नहीं। नहीं है ना, केबल लगाते तो पता चलता। केबल वाला कनेक्शन चार्ज पहले लेता है, बाद में कनेक्शन देता है। लगवाना है तो लगवाओ, नहीं तो दुकान आगे बढ़ाओ। अब कोई चारा तो है नहीं मेरे पास, पर मुझे वो कांटा वाटा लगाना नहीं आता। आप चिंता मत कीजिए, उसके प्रबंध हम कर देंगे। क्या पांडे जी कैसे हैं? शुक्ला कर दो भाई। अरे बढ़िया साहब, पटेल साहब। ए पटेल साहब, आपने तो मेरे 6,000 रुपए लिए थे ना, जरा 6,000 रुपए लौटा दीजिए मुझे। क्या, कौन सा 6,000? कौन है आप? अरे पहचाना नहीं आपने मुझे? अरे पांडे कौन है भैया? आदमी क्लाइंट है जिसके लिए आपको बुलाया। अरे इन लोगों को बुलाया आपने? पर ये तो सस्पेंड है ना। आजकल ये दोनों यही कांटा लगाते रहते हैं। क्या आजकल लीगल तरीके से इल्लीगल कनेक्शन लगाने का ठेका ले लिया? लाओ अपना नाम पता बता दो हमारे। हाँ डोंट वरी, ऐसा जबरदस्त कांटा लगाऊंगा कि ऐसे ही लगेगा कि मीटर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। हाँ 2,000 रुपए लगेंगे बस। 2,000 रुपए का है के? लेबर चार्जेस। लेबर चार्जेस? लेबर चार्जेस तो देने पड़ेंगे ना। अरे यार ये सब मिला के तो कोई 20,000 रुपए हो जाएगा। इससे तो अच्छा था कि मैं वो 15,000 रुपए का जो बिल आया था वो ही भर देता। तो भर देते, हमने तो पहले ही कहा था कि भर दो।